सेवा काल में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी जगह पर अनुकंपा के आधार पर योग्यताधारी जो उनके वारिस होते थे उनको उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी। उसके बाद महोदय सारे सदस्य अवगत हैं कि 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं पंचायत और नगर निकाय ये अधिकार उनको दे दिया गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब ये सरकार के तरफ से निर्देश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवा काल में हुई है वैसे शिक्षकों के वारिस को योग्य अगर हैं तो शिक्षक में नियुक्ति की जाए। और 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं। जब सेवा काल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गई। महोदय 2015 में NCTE जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए दो चीजें अनिवार्य कर दी। एक तो TET पास होना चाहिए चाहे CTET चाहे मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एबिलिटी टेस्ट वो पास करें। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी शिक्षक होने के लिए जो CBED या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो 2015 के बाद से महोदय ये चूंकि भारत सरकार का देशव्यापी मतलब निर्देश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वो मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर ले और प्रशिक्षण न प्राप्त कर ले। 2015 से महोदय 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाए गए उनकी नियुक्तियां हुई है। अब महोदय अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और जो पीछे के बैकलॉग के बारे में कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सरकार भी मानती है कि चूंकि ये समय समय पर कुछ भारत सरकार के निर्णय से और कुछ राज्य के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो नए कदम लिए गए उसके कारण नियुक्तियां नहीं हुई। अब आज की स्थिति में अगर शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में दो ही श्रेणी उनके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए महोदय अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद की स्वीकृति दे दी है। उसमें जो योग्य होंगे सहायक बनने लायक जितने लंबित मामले हैं उनको उप पद पर कर दिया जाएगा और जो परिचारी पद की अर्हता रखते हैं अब हम लोग परिचारी के भी पद सृजन की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद लगभग सभी लोग सामंजित हो जाए।